श्रोताओं, आज की पहेली पूछी है श्रीमान आरकेटी ने, और इनकी पहेली बहुत ही सुंदर पहेली है जो इस प्रकार है। चंद्रमुखी मृग लोचनी भय किशोर सुखमार, पति झूला में झूलना झूले विधवा नार। श्रोताओं, आप देख रहे हैं भक्ति ज्ञान सागर चैनल। मेरा सभी श्रोताओं को प्रणाम, बोलो जय श्री कृष्णा। जो भी नए श्रोता हो वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन को दबा दें, ताकि आपको मिले हमारा बहुत ही सुंदर और ज्ञानात्मक वीडियो। तो श्रोताओं, अब हम इस पहेली की तरफ आगे चलते हैं। श्रीमान आरकेटी ने जो पूछी है, चंद्रमुखी मृग लोचनी भय किशोर सुखमार, पति झूला में पालना झूले विधवा नार। तो श्रोताओं, प्रसंग उस समय का है जब रुक्मणी के गर्भ से प्रद्युम्न ने जन्म लिया। हम आपको जानकारी दे दें कि प्रद्युम्न कौन था। श्रोताओं, एक बार कामदेव ने शंकर जी को जगाने की कोशिश की, भगवान शंकर को जगाने का काफी प्रयास किया, उनकी तपस्या को भंग करना चाहते थे। तो श्रोताओं, जैसे ही भगवान शिव शंकर जागे तो अपना तीसरा नेत्र खोल दिया और कामदेव भस्म हो गए। रति बेचारी रोती रही, बिलखती रही, लेकिन उपाय उसको बता दिया कि तेरे साथ ये होने वाला है। तो रति माया देवी का, मायावती का रूप धारण करके समरासुर की एक नाम मात्र की पत्नी बन गई थी। इधर प्रद्युम्न ने भगवान श्री कृष्ण के यहाँ जन्म लिया था। प्रद्युम्न और कोई नहीं बल्कि स्वयं कामदेव ही थे। तो श्रोताओं, इसके बाद में होता क्या है कि जैसे ही प्रद्युम्न 7-8 दिन का होता है तो समरासुर को पता चल जाता है कि तेरा काल है जो भगवान श्री कृष्ण के यहाँ द्वारका में पल रहा है। तो श्रोताओं, वो चुपचाप आता है और प्रद्युम्न को चुरा लेता है, और चुराने के बाद में जब समुद्र के नज़दीक आता है तो उसे समुद्र में फेंक देता है। श्रोता, वहाँ एक मछली घूम रही थी और जैसे ही उस बालक प्रद्युम्न को फेंका तो वो मछली उसे निगल गई। श्रोताओं, जो कुछ होना होता है, जो होने को मंजूर होता है, वह तो होता ही है। इसलिए समरासुर के यहीं से कुछ मछुआरे आए और उसी मछली को पकड़ कर ले गए। इधर जब मछली को काटा गया तो उसके पेट से वही लड़का निकला जो प्रद्युम्न था। श्रोता, उस प्रद्युम्न का पालन पोषण उस समरासुर की पत्नी मायावती ने किया था। तो श्रोताओं, वो धीरे धीरे उसका पालन पोषण करती रही, उसके साथ खेलती रही, अनुराग गाती रही, और एक दिन वह उसे बागों में ले गई और वो झूला झूल रही थी और झुलाने वाला प्रद्युम्न था। तो श्रोताओं, जो मायावती थी वो भगवान के पुत्र प्रद्युम्न पर मोहित हो गई, और जब मोहित हो गई तो उसने कहा, हे मातेश्वरी, आप आज मुझे ऐसे कैसे घूर रही हो? तो उसने कहा, मैं तेरी माता नहीं हूँ, माता तो भगवान श्री कृष्ण की पत्नी रुक्मणी है, और तू तुझे इस प्रकार से, ये जो राक्षस है, ये समरासुर है, इसने तुझे समुद्र में फेंक दिया था। मैंने तो तुझे पाला पोसा है और मैं तो तेरी पत्नी हूँ। तो श्रोताओं, जब ये बात प्रद्युम्न को पता चली तो प्रद्युम्न से समरासुर का युद्ध होता है और अंत में समरासुर को मार देता है। श्रोताओं, समरासुर के मारने के बाद में भगवान श्री कृष्ण के पास लौट जाते हैं और रुक्मणी
उसकी तरफ देखने लगती है, लेकिन तभी नारद प्रकट होता है और नारद कह देता है कि ये आपका ही पुत्र प्रद्युम्न है श्रोताओं, और जो मायावती गई थी वो अपने रति के रूप में आ जाती है। तो इस प्रकार से इनकी जो ये पहेली है ये यहीं लगती है। इनकी पहेली है चंद्रमुखी मृग लोचनी भये किशोर सुकुमार। चंद्रमुखी रति कोई ऐसी वैसी स्त्री नहीं थी, बहुत अधिक सुंदर थी, इसलिए चंद्रमुखी यहाँ कामदेव की पत्नी रति को कहा गया है, जो कि समरासुर की एक पत्नी बनी थी मायावती के रूप में, जो कि नाम मात्र की पत्नी थी। तो चंद्रमुखी मृग लोचनी भय किशोर सुकुमार। अब जो किशोर कौन प्रद्युम्न, वो सुकुमार यानी सुख लायक हो गए, सुख देने लायक हो गए, बड़े हो गए। पति झूला में झूलना झूले विद्वानार। अब प्रद्युम्न को जो प्रद्युम्न थे वो मायावती को झुला रहे थे, इसलिए वो उनके पति तो थे ही थे, कामदेव के रूप थे और मायावती रति थी, इसलिए पति झूला में झूलना, कामदेव उसको झूला झूला रहे थे, झूले विद्वानार। और वैसे तो वो विद्वानार थी क्योंकि कामदेव की मृत्यु हो गई थी। तो इस प्रकार से श्रोताओं ये प्रसंग यही लगता है। एक बार पुनः सुनिए, जब रति के रूप में मायावती झूला झूल रही थी और प्रद्युम्न उसमें झोटा दे रहे थे, उसे झूला रहे थे, तो ये प्रसंग उसी समय लगता है कि चंद्रमुखी मृग लोचनी भये किशोर सुकुमार पति झूला में झूलना। अब पति कौन प्रद्युम्न, जो कि मायावती यानी रति का ही पति था, वो से झूला 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 रहे थे, झूले विद्वाना, लेकिन अभी तक तो वो विधवाई थी। तो श्रोताओं ये प्रसंग इसी जगह पर लगता है। बोलो इसी के साथ हम आपसे विदा लेते हैं और हम चाहते हैं कि आप हमसे सुंदर सुंदर पहेली पूछें, ऐसी पहेली पूछें जो कि ज्ञान से भरी हुई हो, ताकि हम वेदों की सहायता से इन पहेलियों का जवाब प्रस्तुत कर सकें। तो श्रोताओं इसी के साथ मैं आपसे अनुमति चाहता हूँ। बोलो जय श्री राम, जय श्री कृष्णा।